आज आप लोग वर्ल्ड वाइड ब्लड डोनेशन जो चल रहा है उसके बारे में क्या बताएंगे? आज हमारे संत परवर विज्ञान देव जी महाराज के 44th जन्म दिवस है। इस संदर्भ में हम पूरा ब्लड डोनेशन प्रोग्राम सारे 127 कंट्रीज में ब्लड डोनेशन प्रोग्राम हमारे विहंगम योगा संस्था से चलाए जा रहे हैं। और आज हम हमारे अरुणाचल के ईटानगर हमारे 12th बटालियन NDRF के हेडक्वार्टर में आज हमारे कमांडेंट के परमिशन से आज हम यहाँ जवानों के साथ ब्लड डोनेशन प्रोग्राम करा रहे हैं। और सभी हमारे NDRF के टीम सब इसमें भागीदारी कर रहे हैं। जवान सिर्फ जवान नहीं, हमारे मातृशक्ति भी ब्लड डोनेशन दे रहे हैं। इसलिए ये ब्लड डोनेशन ही मानव सेवा है, रक्तदान ही मानव सेवा है और रक्तदान ही राष्ट्र सेवा है। इसलिए सभी स्पेशली हमारे 12 बटालियन NDRF को हमारे विहंगम योगा अरुणाचल के तरफ से धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि सभी जहाँ भी है, हम साल में एक बार हमारा 28 अक्टूबर जो हमारे विहंगम योगा संस्था जो हम लोग ब्लड डोनेशन वर्ल्ड वाइड कराते हैं, सभी को नमन करता हूँ कि वो यहाँ आ करके भाग लें। सर, हर साल आप लोग कराते हैं, सर इस बार आप लोग ऐसे कितना टारगेट है कि आज मतलब कितने लोग ऐसे देंगे? सर इसमें एटलीस्ट हमारे टारगेट आज के दिन में हम 50 के टारगेट कर रहे हैं, हाफ सेंचुरी के टारगेट कर रहे हैं। हमारे ये 12 बटालियन NDRF में पहले भी दिया है और ये हर रोज ये सरंगना है कि हमारा ये NDRF टीम हर रोज सभी ब्लड डोनेशन काम और सोशल एक्टिविटीज़ में भी अपने कार्य का छोड़ करके बाकी सोशल एक्टिविटीज़ में भी साथ दे रहे हैं NDRF टीम। इसलिए 12 बटालियन NDRF को हमारे एवं संस्था की तरफ से धन्यवाद। सर, लोगों में एक गलत फहमी रहता है कि ब्लड देने से हम कमज़ोर हो जाएंगे, सर उनको आपकी तरफ से क्या अपील रहेगी? नहीं, जैसे तो जैसे ब्लड हर रोज आफ्टर एवरी जब ब्लड हर रोज जन्म होता है, क्रिएशन होता है, उसी ब्लड को हर रोज हम लोग सपने से अपना जितना शरीर को नया ब्लड जरूरी होता है, जितना नया ब्लड होगा उतना अच्छा आदमी तेज होता है, सुस्त रहता है। इसलिए हर एक आफ्टर 3 मंथ्स हम लोग को ब्लड देना है ताकि हम लोग शरीर में हर शरीर सुस्त रहे और बॉडी मेकानिज्म अच्छा से डेवलप हो। इसलिए ब्लड डोनेशन देना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।